के ऊपर बात करते हैं तो देखिएगा बहुत सीधा सा फंडा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या बात है, अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाती है तो बहुत ही मजेदार सा फंडा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ये होता है डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, अगर हम बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा कि डीएनए से आरएनए का बनना, अगर एक स्ट्रैंड ये रहा दूसरा स्ट्रैंड ये रहा, ठीक है, तो दिस लाइक ये एक स्ट्रैंड है, ये है आपका स्ट्रैंड जिसमें हम बात करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। एंड हमेशा लिख दिया करें 5' to 3', 3' to 5', एंड दिस इज 3' to 5'। ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कैसा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए? रिप्लिकेट करने के लिए इसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना हो रहा था, एंड नाउ ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसके बाद एमआरएनए बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो एमआरएनए का स्ट्रैंड मान लो ये है 5' और 3', ये है एमआरएनए या कोई भी आरएनए है, कोई भी आरएनए है, मैं एमआरएनए बाय डिफॉल्ट कंसीडर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, सो अब ध्यान देने की कोशिश करना कि दोनों स्ट्रैंड में से एक ही टेम्पलेट जो होगा, क्योंकि आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब इन दोनों में से एक ही स्ट्रैंड ऐसा होगा जो इसके लिए एज अ टेम्पलेट काम करेगा। और वो कैसे पता चलेगा, जो कि एंड से 5' to 3' जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री होता है और यही टेम्पलेट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे ए होगा तो वो जोड़ेगा यहाँ पे यू, अगर यहाँ पे जी होगा तो वो जोड़ेगा सी, और यहाँ पे टी होगा तो ये जोड़ेगा ए, और यहाँ पे सी होगा तो ये जोड़ेगा जी, अगर ए होगा तो अगेन जोड़ेगा यू, टी होगा तो अगेन जोड़ेगा ए, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ेगा। ये क्या यहाँ पे आरएनए, पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन के केसेस में कौन सा एंजाइम यूज होगा, ये हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का नेचर क्या होगा, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट। किस सीक्वेंस पे डिपेंड है, डीएनए डिपेंडेंट है, ये डीएनए डिपेंडेंट है, लेकिन बना क्या रहा है, आरएनए बना रहा, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये जो है यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर बात करते हैं। नाउ अब इसको देखिएगा कि अगर ये सीक्वेंस इसमें है तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को देखेंगे तो ये हो जाएगा टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए। तो अगर टी और यू को छोड़ दिया जाए तो ये पूरी के पूरे तरीके से इससे जैसा सिमिलर नहीं है, ये mRNA 5' से सिमिलर नहीं नजर आ रहा है, तो ये सिमिलर है यानी सेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सो टेम्पलेट और सेंस एंड देख के भी बता सकते हो, इट नॉट लाइक कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जब तक सीक्वेंस नहीं देखोगे तभी तक कर पाओगे। ध्यान देना कि mRNA का 5' एंड और DNA का जो 5' एंड जिस सिमिलर में है वो आपके, जैसे ये डीएनए है एमआरएनए है, तो 5' एंड और 5' एंड जो होंगे दे आर द सेंस स्ट्रैंड, सेंस करेंगे, जो सेंस हो जाएगा वही कोडिंग भी होगा। ठीक है, यही कोडिंग भी होगा, लेकिन ये टेम्पलेट नहीं होगा। कैसा काम करेगा, नॉन टेम्पलेट काम करेगा, नॉन टेम्पलेट। लेकिन अगर एक 5' है और इसको देखेंगे डीएनए का जो 3' इससे जुड़ रहा होगा वो हो जाएगा टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट हो जाएगा तो एंटी सेंस होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नॉन कोडिंग होगा, और ये जो हो जाएगा आपका ये है टेम्पलेट वन। ठीक है, सो ध्यान देने की कोशिश करना, यहां पे एक लगता है कोड और कोड लगेगा दैट CNS, ध्यान दीजिएगा CNS कोड लगाइए, खुद जान जाइए। CNS का मतलब है जो होगा कोडिंग वही होगा नॉन टेम्पलेट और वही होगा सेंस। ठीक है, यह है CNS फॉर द स्ट्रैंड, जो कोडिंग होगा वो सेंस होगा, वो नॉन टेम्पलेट होगा। एंड के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंसेस के हिसाब से भी बता दिया है। तो टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट, सेंस एंटी सेंस का आपका पंगा क्लियर हो गया होगा। अब डीएनए से आरएनए बनना, ये जो कहलाता है यही ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमिना कहलाता है। आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, उसका नेचर होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कैसा नेचर होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का नेचर पाया जाता है। ठीक है,
नाउ इसके अलावा जो चीज़ें चलती हैं कि अगर ट्रांसक्रिप्शन में जैसा जो आपको यहाँ पे दिखाएगा, देखिए 5' इंड है, 3' इंड है, ये सेंस स्ट्रैंड है, ये एंटी सेंस स्ट्रैंड है, इसमें हमने आप देखो देखा कि देखिए ये है आरएनए, आरएनए से बनेगा ट्रांसलेशन के बाद पेप्टाइड। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को देख बता चुका हूँ कि आप जब देखेंगे 5' टू 5' अगर मिलेगा तो वो सेंस स्ट्रैंड होगा, 5 टू 3 जो होगा वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पे, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, इसमें भी कुछ कुछ चीजें चाहिए जो हमें रिप्लिकेशन के फॉर्म में चाहिए थी, जैसे यहां पे कुछ कुछ चीजें नहीं चाहिए, जैसे यहां पे ये जो होता है प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेजेस को प्राइमर की जरूरत नहीं होती, आरएनए पॉलीमरेज आर प्राइमर इंडिपेंडेंट, ये जो होते हैं प्राइमर इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको प्राइमर की जरूरत नहीं होती। लेकिन टेम्पलेट चाहिए कि नहीं चाहिए, इनको टेम्पलेट तब भी चाहिए, टेम्पलेट जो है टेम्पलेट डिपेंडेंट होते हैं, दे आर टेम्पलेट डिपेंडेंट, टेम्पलेट तो चाहिए थी, लेकिन डीएनए के केस में वो चीज़ नहीं था, डीएनए में प्राइमर चाहिए होता था। इसके अलावा इसमें कुछ ही चीज़ें चाहिए, हेलिकेज तो चाहिए चाहिए, क्योंकि आपको ओपन करना होगा ना, देखिए डीएनए को हेलिक्स को ओपन तो करना होगा तभी तो आरएनए बनेगा ना बेटा। सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगी, ट्रांसक्रिप्शन की भी 5' टू 3' डायरेक्शन में, सी ईयर 5' mRNA सबसे पहले बन रहा है और इसी डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है, होती जा रही है 5' टू 3', नए एनटीपीज जो है, नॉट डीएनटीपीज, कौन से एनटीपीज, एनटीपीज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्या है ये, डीऑक्सी नहीं है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है ना कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये यूज होंगे क्योंकि आरएनए है और कुछ जगहों पे बीच में एक आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन पाया जाता है जहां पे कुछ पेयरिंग होती है और ये पेयरिंग करीब से करीब 8 से 10 बेस पेयर का होता है, जहां पे आरएनए और डीएनए एक हाइब्रिड की तरीके से अरेंज्ड होते हैं, तो सो दैट एक प्रॉपर स्टेबिलिटी में इलोंगेशन या ट्रांसक्रिप्शन होता रहे। ऑब्वियस ही बात है हेलिकेजेस यहाँ पे चाहिए, हेलिकेजेस एंजाइम जो है कि अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर केसेस में यू नीड सम हेलिकेजेस, आपको हेलिकेजेस की ज़रूरत तो पड़ेगी, विदाउट हेलिकेज तो काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हेलिकेजेस की ज़रूरत तो पड़ेगी, हेलिकेजेस कट करेंगे, इस चीज़ को कट करते हुए जा रहा है और कट करने के बाद सुपर कॉइलिंग होगी, ओवर वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग, तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि टोपो आइसोमेरेज, क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए टोपो आइसोमेरेज जो कि अनवाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा, आपको बताया गया है दिस टोपो आइसोमेरेज विल अनप्रिवेंट द अनवाइंडिंग थिंग्स, ठीक है। सो ये चीज़ें पाई जाएंगी। आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो पूरा का पूरा देखिएगा, ये बड़ा सा सेक्शन जो पाया जा रहा है, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, दिस द होल सेक्शन, ये पूरा लार्ज सेक्शन जो है दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, ये एक कोडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि आरएनए इससे बन रहा है, तो ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये है कोडिंग स्ट्रैंड, व्हेन यू सी दैट दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड और ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखे रहिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है, हेलिकेज यहाँ भी चाहिए, टोपो आइसोमेरेज यहाँ भी चाहिए आपको, ठीक है, हेलिकेजेस चाहिए था, टोपो आइसोमेरेजेस चाहिए थे, ठीक है, इसके साथ साथ प्राइमर चाहिए क्या, प्राइमर नहीं चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए टेम्पलेट, बिना टेम्पलेट के काम नहीं होने वाला, डीएनटीपी चाहिए कि एनटीपी चाहिए, यहाँ पे एनटीपी चाहिए ना कि डीएनटीपी चाहिए, कुछ हाइब्रिड डिवीजन पाए जाते हैं 8 से 10 बेस पेयर का और ये चीज़ें जो होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्लियर है जी, एक बेसिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म के केस में, ठीक है। नाउ ध्यान देने की कोशिश करना कि अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में कोई भी चीज़ इस तरीके से चल रही होती है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी अलग होगा, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी अलग होगा, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें पाए जाएंगी। अब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे रिप्लिकेशन को तौर पर समझ रहे होंगे, तो रिप्लिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें पाई जा रही थी, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा क्विक लेख के ऊपर बात कर रहा हूँ। व्हेन यू अंडरस्टैंड रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन में आपको जैसे कि प्राइमर था, यहाँ पे प्राइमर नहीं चाहिए, प्राइमर की रिक्वायरमेंट ट्रांसक्रिप्शन पे नहीं होती है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोई भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। रिप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए देयर इज़ लाइक ORI ओरिजिन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, प्रमोटर चाहिए, प्रमोटर, ORI नहीं प्रमोटर, क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए, यहाँ पे जैसे प्रोकैरियोट में आपके DNA थे रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्सेस, या आपके पर्टिकुलर यूकैरियोट में ORC था ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए देयर आर सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन चाहिए
खासकर प्रो कैरियोट और यू कैरियोट में, जैसे कि प्रो कैरियोट में सिग्मा फैक्टर पाया जाता है सिग्मा 70, यू कैरियोट में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, ये कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये सारी चीज़ें थी, हेलिकेजेस यहाँ पे भी थे, जैसा आपको पता था हेलिकेजेस दोनों जगह चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, टोपो आइसोमरेज यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। इसके साथ साथ देयर इज लाइक कि अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यूज़ हो रहा था, कौन सा यूज़ हो रहा था, डीएनए पॉलीमरेज, जबकि यहाँ पे जो यूज़ होता है आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है, क्या यूज़ होगा, आरएनए पॉलीमरेजेस यूज़ होंगे, ठीक है। और टर्मिनेशन वगैरह थोड़ा सा अलग होता है, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे चलेंगी। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो अलग होती हैं वो अलग होती हैं, प्रमोटर और रिकॉग्निशन एलिमेंट, उसके बाद एंजाइम, तो कुछ जो चीज़ें अलग होती हैं उन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जरा सा समझना कि जहाँ से कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे वो बताता है प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर बताता है कि भैया मेरे यहाँ से चीज़ें चलेंगी, प्रमोटर से क्या बाइंड करेगा, प्रमोटर से बाइंड करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन इतनी आसानी से बाइंड कर जाएगा क्या, नहीं। आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी जो होती है प्रमोटर से बाइंड करने की जो होती है लेस होती है, ये अफिनिटी इंक्रीज कौन करते हैं, ये अफिनिटी इंक्रीज की जाती है किससे, अफिनिटी इंक्रीज्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, अफिनिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे प्रोकैरियोट के केस में सिग्मा 70 जो कि आपका एक फैक्टर होता है वो करेगा, और यूकैरियोट के केस में यहाँ पे टीबीपी है और बहुत सारे हैं, वो उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द केसेस। नाउ प्रमोटर, अब देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक के केसेस में मल्टीपल सिस्ट्रॉन यूनिट बात करते हैं, एक प्रमोटर में कितने जीन पाए जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि व्हेन यू सी टॉक अबाउट द प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान फोकस करेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रमोटर इज समथिंग जो कि चीज़ें पाई जा रही हैं कहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका हिस्सा, और जहां से भी ध्यान दीजिएगा एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, रैदर देन प्रमोटर लेट मी लाइक की टॉक अबाउट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, दिस इज लाइक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो किसी भी डीएनए के ऊपर जब हम बात करेंगे तो ध्यान देना कि ये पूरा का पूरा इस तरीके का हिस्सा रहता है, यहाँ पे है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, हमेशा एंड का ध्यान रखें, लिखते रहें तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ना, द साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट विल डिनोटेड एज +1, दिस इज नोन एज द स्टार्ट साइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्ट साइट, ये जो है स्टार्ट साइट होता है। स्टार्ट साइट से जो इधर की चीज़ें होती हैं दिस इज नोन एज डाउनस्ट्रीम, क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। और इसके बाद जो इधर की चीज़ें होती हैं, जो इधर की चीज़ें होती हैं वी से इट एज ए अपस्ट्रीम, ये क्या है, ये है अपस्ट्रीम, ठीक है। नाउ डाउनस्ट्रीम में देयर इज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, प्रमोटर अलग अलग चीज़ें पाए जाती हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे सेगमेंट्स पाए जाते हैं जहाँ पे कि स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है, क्या बोलते हैं हम, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन, जो कि जीन प्रोटीन को बनाएंगे, स्ट्रक्चरल जीन, ये जो ट्रांसक्राइब्ड होंगे इनके बाद के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दैट अगर हम इस स्ट्रक्चरल जीन के बात करें, एक पर्टिकुलर केसेस के बात करें, एमआरएनए ये डीएनए के ऊपर होता है, स्ट्रक्चरल जीन है और ये इस तरीके से जीन जो है पाया जा रहा है, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे कि एमआरएनए जो बनेगा उसमें भी हम इस इसको देखेंगे, ठीक है। सो एमआरएनए में क्या होता है कि दिस लाइक ये तो डीएनए का किस सिक्वेंस है, एमआरएनए जब बनेगा तो एक बनेगा 5 प्राइम और 3 प्राइम, इसमें एक होगा स्टार्ट साइट। अब स्टार्ट साइट में कई सारे जीन हो सकते हैं, या तो एक जीन हो या तो मल्टीपल जीन ए, फिर उसके साथ जीन बी, ठीक है, या अलग अलग जीन सी हो, और ये है फिर स्टॉप साइट। इसके बाद इधर का जो एरिया पाया जाता है इसको बोलते हैं 3 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर, यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन।
एंड इधर ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं दैट इज 5' UTR, 5' अनट्रांसलेटेड रीजन, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जहां पे स्टार्ट साइट होता है, स्टार्ट कोडॉन होता है, उसके पहले वाले जो होते हैं, इस तरीके से चीजें चलती हैं। जहां पे मोर देन वन जीन हो रहा है हम इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए है ये भैया, जिसमें मल्टीपल जीन पाया जा रहा है। एक होता तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। अगर यही एक आरएनए कुछ इस तरीके से होता जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5' to 3' में सिर्फ और सिर्फ जीन ए पाया जाता है, तो वी से सी इट इज अ मोनोसिस्ट्रॉनिक। इसको क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। ये जो है मोनोसिस्ट्रॉनिक का हिस्सा है, ठीक है। नाउ अगर इस डीएनए के ऊपर आइए तो इसमें स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चरल जीन में कुछ हिस्सा यहाँ पे पाया जा रहा था, और लेट मी लाइक कि कुछ हिस्से के ऊपर और बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा पाया जाएगा, देयर सम डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये जो है कि आपके कुछ केसेस यहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये एक्चुअली क्या है? यहाँ पे एक होता है दैट इज प्रमोटर, और एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर से इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बाहर यहां पे एक जो होता है वो रेगुलेटरी जीन होता है, आई जीन पाया जाता है। वो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट जो होता है, वो रेगुलेटरी प्रोडक्ट या रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है, दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर। वो जो होता है वो ऑपरेटर से बाइंड करता है, जबकि प्रमोटर से जो बाइंड करता है वी से इट एज अ, हम उसको क्या बोलते हैं, जो प्रमोटर से बाइंड करेगा हम उनको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ये जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो यहां बाइंड करते हैं। सो दिस इज द केस, प्रमोटर से बाइंड करेगा और स्ट्रक्चरल जीन है पी ओ एस, इस तरीके के केस है। तो दिस इज पी, दिस इज ओ, दिस इज एस, ये केस चलेगा और इस तरीके से चीजें जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट में ये चीज होती है प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है ओपेरॉन के बाहर होता है, ओपेरॉन के बाहर का पार्ट होता है, ओपेरॉन का पार्ट नहीं होता है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आपको पता चल गया स्टार्ट साइड से। कुछ कुछ ऑपरेटर या प्रमोटर जो होते हैं वो इधर भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। जनरली इस तरीके के अरेंजमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। चलो सो बेसिक फंडामेंटल आपका यही है। टर्मिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें जो है अगर प्रमोटर का किस्सा आ गया तो प्रमोटर रिकॉग्नाइज करने वाली चीज़ें होती हैं और उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस के ऊपर, जो कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेजेस कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस, तो प्रोकैरियोट में देखिए एक होता है कोर आरएनए पॉलीमरेज। कोर आरएनए पॉलीमरेज में अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, दिस बीच में ओमेगा होता है। अल्फा दो अल्फा, बीटा बीटा प्राइम, ओमेगा एंड दिस सिग्मा 70 फैक्टर जो कि रिकॉग्निशन एलिमेंट होता है। क्या करता है? रिकॉग्निशन एलिमेंट होता है, रिकॉग्निशन एलिमेंट, ठीक है। रिकॉग्निशन एलिमेंट जो होता है यहाँ पे पाया जाता है और ये जुड़ेगा इनके साथ और बना देगा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज यूज्ड फॉर इनिशिएशन, ये जो होता है इनिशिएशन के लिए होता है, और कोर एंजाइम इज यूज्ड फॉर इलोंगेशन। विल डिस्कस द प्रोसेस इन नेक्स्ट वीडियो, तब हम बताएंगे आपको। प्रोकैरियोटिक में अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा। अल्फा फॉर असेंबली, बीटा फॉर कैटालिटिक सेंटर, बीटा फॉर डीएनए बाइंडिंग, ओमेगा फॉर स्टेबलाइजेशन एंड सिग्मा फॉर द प्रमोटर रिकॉग्निशन। कौन कौन से जीन्स होते हैं वो जीन्स यहाँ पे मेंशनड है आपके, दैट देयर इज अ जीन ए, आरपीओ, जो आरएनए पॉलीमरेज ए है। आरपीओ का मतलब क्या है? दिस आरपीओ का मतलब आरएनए पॉलीमरेज। ए प्रोटीन ए बनाएगा, फिर बी है बीटा बनाएगा, सी बीटा प्राइम है, डी सिग्मा है, जेड ओमेगा बना रहा है। टोटल जो होते हैं ये 460 डाल्टन के पाए जाते हैं। सबका आपको बताया गया था बीटा बीटा प्राइम कैटालिटिक है, सिग्मा प्रमोटर है, और आपके अल्फा जो होते हैं ये असेंबली के लिए पाए जाते हैं, ठीक है, असेंबली के लिए होते हैं। और रिकॉग्निशन के लिए कॉल होता है वो सिग्मा 70 होता है, प्रमोटर स्पेसिफिसिटी को, अफिनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि कोर आरएनए पॉलीमरेज की उतनी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, उतनी अफिनिटी नहीं होती, इसीलिए सिग्मा फैक्टर की अफिनिटी ज़्यादा होती है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट का अगर समझ में आ गया, तो यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में सिंगल टाइप का है, उसके इतने सब यूनिट है, ये टाइप जो है सिंगल है, इतने इसके सब यूनिट होते हैं। जबकि यूकैरियोट में आप देखेंगे तो इसके तीन टाइप होते हैं, 1, 2, 3। पहला बनाता है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए 5.8S, 18S, 28S, एक्सेप्ट 5S राइबोसोमल आरएनए को छोड़कर ये बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है मैसेंजर आरएनए
स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, लाइन एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, लेकिन ये जो होता है यू6 एसएनआरएनए को नहीं बनाता। यू6 एसएनआरएनए और जो होता है आपका ये 5S राइबोसोमल आरएनए, ये जो होते हैं बनाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये कुछ प्रमोटर होते हैं जो -45 से लेके +20, टाटा बॉक्स -30, कैट बॉक्स -70 एंड -85। ये प्रमोटर सीक्वेंसेस जो आपको बताए गए थे, जहां पे स्टार्ट साइट है प्लस से लेके बैक की तरफ जाएंगे तो माइनस कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर ये है +1 तो यहां से पूरा का पूरा ये मान लीजिए -45 है और ये जो है +20 है, ठीक है। तो ये जो प्रमोटर है पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको +1 को लेके कंसीडर करते हुए चलना है। तो इसी तरीके से जब इसमें बात करेंगे तो इसका थोड़ा सा अलग प्रमोटर हो जाएगा। मतलब अगर हम देखेंगे यहां पे +1 था तो इस तरीके से ये मान लीजिए -30 है, -70 है और -85 है। तो दिस इज लाइक ये है +1, ये है -30, ये है -70 और ये है -85। इस पे जो पाया जाता है वो टाटा बॉक्स होता है, इस पे जो होता है वो कैट बॉक्स होता है और इस पे जो होता है वो जीसी बॉक्स होता है। दिस इज द एम आर एन ए पॉलीमरेज 2। इसके बाद इसमें जो होते हैं +50, यहाँ पे जो होते हैं अगर आप देखेंगे तो आर एन ए पॉलीमरेज वाल के पास बाईपार्टाइल का मतलब दोनों हिस्सों में पाया जा रहा है, +1 के इधर भी +1 के उधर भी, दैट इज बाईपार्टाइल प्रमोटर इज देयर फॉर द आरएनए पॉलीमरेज 1। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए देखोगे तो इसमें तीन अलग अलग प्रमोटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तीन अलग अलग, अगर हम इसको ये देखें कि देखिएगा ये +1 है तो कुछ आपके +10 से 70, ठीक है, +10 से 70 आपके पास जाएंगे और कुछ कुछ इस तरीके से। मतलब ध्यान दीजिएगा कि एक तो -30 से -60 यहाँ पे मान लो पाया जा रहा है, एक -30 से -60 इसके बीच में होगा, एक आपके 10 से कुछ इधर पाया जाएगा कि 10 से 70 है, ठीक है, ये 10 से है, और एक हो जाएगा जो 50 से पाया जाएगा। तो ये कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो type 1 फॉर दिस वन, type 2 फॉर दिस वन एंड type 3 फॉर दिस वन। तो ये जो है आपके कहाँ पे आ जा रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ प्रमोटर्स जो होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं और इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पे एक कोड यूज कर सकते हैं रमता जोगी, दैट इज RMT, रमता जोगी, मतलब राइबोसोमल आरएनए फॉर फर्स्ट, एम फॉर द सेकेंड एंड टी फॉर द दैट इज थर्ड। ये ध्यान रखना राइबोसोमल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला, सो दैट आपको क्लियर रहे और चीज़ों को सही तरीके से कर पाए, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रमोटर में जैसा आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, देखिए आरएनए के केसेस में यहाँ पे देखिए एक्सॉन इंट्रॉन है, एक्सॉन है, स्टार्ट ऑफ रिप्लिकेशन 1 है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 1 है। और इसी तरीके से -30 पे टाटा बॉक्स पाया जा रहा है, फिर कैट बॉक्स है -80 पे, फिर ये है जीसी बॉक्स पे, तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इन्वॉल्व हो जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्हांसर सिक्वेंसेज होते हैं जो बाइंड करते हैं करीब करीब -100 सिक्वेंसेज पे, और ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं रेट को। और सम आर द टन ट्रांसलेटेड रीजन्स, लीडर सिक्वेंसेज आर यहाँ पे पाए जा रहे हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं। तो दीज आर द केसेस जो प्रमोटर के केस में पाया जा रहा है। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, और लर्न करेंगे और कुछ चीजों के बारे में। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।